मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं जो इस गर्मी के दिन में भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप पत्रकार लोग भी गर्मी झेल करके खड़े हैं और हम लोग तो ऊपर बैठे हुए तब भी गर्मी लगता है, तो इससे क्या कीजिएगा। गर्मी के दिन में ही चुनाव है, सब लोग लड़ रहे हैं और मुझको पूरा भरोसा है कि हमारे उम्मीदवार जरूर जीतेंगे, विवेक ठाकुर जी पूरे तौर पर। और आपसे यही अपील करने के लिए हम आए हैं। और आप जानते हैं कि जब से हम लोगों को मौका मिला है 2005 के नवंबर में, अब तब से लेकर के, और हम लोग बीजेपी के साथ ही हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब बीच में तो दो जगह इधर उधर हम हो गए थे, लेकिन फिर वापस हो गए हैं। अब इधर उधर हम होने वाले नहीं हैं और शुरू से हम लोग एक साथ काम किए हैं। और आप जानते हैं कि बिहार में क्या था पहले, आप जानते हैं कि 15 साल तक जो राज किया और खुद अपने जब घायल हुए पत्नी को बना दिया, पति पत्नी राज करता रहा। अब आप समझिए क्या किया, बिहार का क्या हाल था। तो आप जानते थे, सबको याद है ना, कि शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, कोई नहीं निकल पाता था, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। हम लोग एमपी भी थे, केंद्र में मंत्री भी थे, तो अपने क्षेत्र में जाते थे तो पैदल ही न चलते थे, कहीं कोई जगह थी। क्या हालत था उन लोगों के जमाने में, आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने किया। क्या किया, जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है, अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। तो इन लोगों का क्या है, याद करिए कि कभी कुछ किया है। इसीलिए आप सोच लीजिए, कहीं भी कुछ नहीं होता था और कितना कम बच्चे और बच्चियां पढ़ती थी, और जब कहीं कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां क्लास के बाद कोई आगे पढ़ पाती थी, क्या हालत था, कुछ था, इलाज होता था। और आप जानते हैं कि अस्पताल में इलाज के लिए एक महीना में, यही हम लोग किए थे, एक महीना में 29 लोग, 39, और एक दिन में एक आदमी या कभी कभी दो आदमी, ये हालत था। तो क्या बुरा हाल था, जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू किया सब जगह। शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया, पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कितना काम किया हम लोग शिक्षा में। और बाद में जो लड़कियां लड़कियों के लिए हमने क्या कर दिया, पोशाक का किया, और फिर साइकिल भी देना शुरू किया, और बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल और पोशाक कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में लड़की पढ़ रही है, लड़के पढ़ रहे हैं, पहले कहां पढ़ते थे। तो अब जब वोट मांगने आता है तो हम नई पीढ़ी के भी लोग बैठे हुए हैं, हम कहेंगे याद करिए, अगर हम लोग नहीं आते तभी तक घर में सुते रहते, कोई नहीं पढ़ते, कहीं नहीं आगे बढ़ते। अब आप देख रहे हैं कितना कितना जगह बना है, पहले कहीं था, कोई जगह था, याद करिए, पूरे बिहार में कहीं कुछ नहीं था, आज देख रहे हैं जाने का रास्ता, और जगह जगह देखिए तो लोगों का घर बन रहा है। क्या क्या स्थिति हो गई, और कितना पढ़ाई हो रहा है, और कितनी शिक्षा हो रही है। इसलिए इन सब चीजों को कभी भूलना नहीं है। और एक एक तरह से कितना ज्यादा होता था, अब इसके बाद सब जगह, और हम लोगों को तो जब मौका मिला था पहले ही बार, जब हम लोग चुनाव उनाव करवाए पंचायत उंचायत का, फिर नगर विकास का 7 में 6 से ही, तो क्या किया हमने, 50% महिलाओं को कर दिया। अब देखिए कि कितना ज्यादा महिलाएं भी अब आगे बढ़ गई। और जब बिहार में हुआ तो बाहर के लोग आ करके देखे, कहे बहुत अच्छा हुआ। फिर जैसे यहां हमने 50% किया, कई राज्यों ने भी अपना लिया इसको। तो याद करिए, कभी हम तो जो भी काम किए हुए हैं
उसको तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देता है। हमारे पत्रकार मित्र लोग बैठे हुए, हम कहेंगे कि आप ट्वीटें कर दिया करिए, नहीं लिखने देता है अखबार में, कहीं ट्वीट कर दीजिए पहले क्या हाल था, अब कितना आगे हो गया है। और हम कोई दूसरा काम करते हैं जी, आप सोचिए तो लोग अपने परिवार को आज देखिए तो एक ही परिवार का कितना आदमी लड़ रहा। अब आप सोच लीजिए 18 साल से हैं, 18वां साल, हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए इन लोगों को जब मौका मिलता है तो पति पत्नी बाल बच्चा बेटा बेटी इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। आ कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है? तो याद करिए, लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे जिस जाति के, हम सब जाति के लोगों को कहेंगे, तो जो अब जिस जात का लोग कर रहे हैं अपने अपने में कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी कहेंगे कि आपको कहे नहीं करता है, हम लोग तो सबको करते हैं, अपना परिवार को कर रहा है जी, तो कोई मतलब है? याद करिए इन सब चीजों को। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, सब जगह हम करते रहते हैं, हम लोग तो काम ही ना करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं, हम लोग अपने लिए करते हैं, आई लोग कमाने की कोशिश करते हैं। आप जरा बताइए, जब से हम केंद्र में मंत्री, यहां आप पूछ लीजिए किसी भी आदमी से हमारे बारे में, एक पैसा किसी से नहीं लेता है और इस तरह की बात होती है, तो हम लोग तो सब काम करते रहे। तो इसीलिए याद करिए कि पूरे बिहार में, हमको तो समय लगेगा, आप लोगों को लग रहा है कि कितना ज्यादा हम लोगों ने पूरे बिहार में काम करवा दिया, तो सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया। आप जानते ही ना हैं कि आप कितना जाता था, आप पहले क्या हाल था, आप पहले से भी एक एक चीज में क्या था, 2005 का प्रजनन दर क्या था, 4003, और हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं। जब लड़कियां पढ़ती हैं, महिलाएं पढ़ती हैं, प्रजनन दर घटता है। अब आप जान लीजिए, दो साल पहले का ही, अभी तो और हम रिपोर्ट ले रहे हैं, तब तक हो गया 4.3 से घट करके 2.9 पर आ गया। और जब हम सर्वे करवाए थे तो पता चला कि मैट्रिक पास से लड़की देश भर में तो दो था, अब बिहार में भी जो मैट्रिक पास लड़की थी उसका भी प्रजनन दर दो, लेकिन मैट्रिक से आगे जब देश भर में निकला था, इंटर पास किया हुआ आगे, तो उसका निकलता था प्रजनन दर देश भर के सब जगह का 1.9, और हमारे बिहार में जो इंटर पास लड़की थी तब प्रजनन दर 1.6। अब उसके बाद उसको इतनी खुशी हुई, और उसके लिए जो हम समूचा काम कराना शुरू किए, अब देखिए आबादी का भी हिसाब भी और एक एक चीज सब तरह से। अब बिहार का आप सोच लीजिए क्षेत्र कैसा है और उसमें कितने लोग, क्या हालत था, कहीं वृक्षारोपण ही लोग करवाए थे? आप जरा बताइए तो, हम सब जगह वृक्षारोपण करवा रहे हैं, देखा ना, सब जगह लगवाते अब कितना ज्यादा हो गया एक एक चीज का। तो हर काम हम करवा रहे हैं लोगों के लिए, तो इसीलिए कोई भी काम हम लोग नहीं छोड़ते हैं। और नवादा सब जगह के लिए किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया, सरकारी नौकरी और रोजगार कितना हुआ आपको मालूम है? जब 2005 में हम लोग आए, 2006 से लेकर के 2020 तक ये कहां किसी को नौकरी देते थे, तो जब हम लोग काम करना शुरू किए तो 20 के नई सरकार आई उसके पहले तक 8 लाख लोगों को नौकरी मिली हम लोगों ने दिया। और उसके बाद हमने 20 में घोषित किया और उसमें कहा कि हम लोग 10 लाख करेंगे नौकरी और 10 लाख रोजगार। पहले भी रोजगार बहुत मिला है लोगों को, और आप जानते हैं इस बार जो हम लोगों ने 20 में घोषित किया है, 21 से शुरू किया, अब 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल गई, 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली जारी है और 3 लाख नए पदों का सृजन किया जा चुका है। और जब तक हम लोग हैं 10 लाख तो करवा ही देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो जाए।
आप जान लीजिए, और रोजगार भी 5 लाख के करीब ज्यादा मिल गया है लोगों को। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं। याद करिए कि जब ये लोग थे 1990 से लेकर के 2005 के शुरू तक इन लोगों को मौका मिला, तक कई लोगों को प्रजनंदन में कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या विकास हुआ, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कोई काम हुआ? और अभी जो सब काम हो रहा है तो ये लोग राज करना चाहते हैं, इसलिए कभी मत होने दीजिए, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा। हम तो मुस्लिम लोगों को भी याद करा देते हैं, पहले झगड़े न होते रहता था जी, कभी कुछ करता था, लेकिन हम जब आ गए 6 में तो झगड़ा होने दिए हैं। अब हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं, अब पहले बराबर होता था। तो हमको भुला जाइएगा, उसी को दीजिएगा। हम बीजेपी के साथ हैं तो कहिएगा कि उसके साथ हैं। अब बीजेपी तो साथ ही था 5 में जब हम लोग आए, 6 में आई, जो मतलब सब मुसलमानों को ठीक कर दिया, आ कितना ज्यादा सबके लिए हक में काम किया, तो कितने ज्यादा लोगों को संख्या मिल गई है। तो एक एक तरह से सब जगह सब लोगों को, मुस्लिम लोगों के लिए भी सब तरह की सुविधाएं दी गई है, कोई भी चीज नहीं छोड़ा गया है। आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा लोगों को काम करवा रहे हैं हम लोग, और आगे इस काम को जारी रखे हुए हैं। तो हर तरह से एक एक काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, जीविका दीदियां तो हम लोगों ने नाम लिया, स्वयं सहायता समूह। हम जब केंद्र में थे, मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और एमपी भी थे, घूमते रहते थे तो देखते थे कि स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में, और जब यहां पर आए थे तो 6 में हम घूमते रहे कि बहुत कम है, हमको बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद हमने कुछ जगह पर जो थी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं 6 में मिलने गए थे, भूलिएगा मत, याद रखिए आप लोग। तो वहां पर जाकर के हम देखे, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया और हम कर्ज लिए, और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू करा दिया, उसका नाम दे दिया जीविका। तो जब जीविका दे दिया कहला गई महिलाएं, तो जानते हैं उस समय के केंद्र सरकार वाले मंत्री भी चले आए कि स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ाया है, और देख लिए कि हमने नाम दे दिया जीविका। ता करके उस समय केंद्र सरकार ने देश भर में नाम दे दिया आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका, ये बाहर बढ़ाने के लिए। तो भूलिएगा मत, सब काम यहां हुआ, एक एक काम यही किए हैं। तो हम तो खाली याद कराना चाहते हैं आपको। तो एक एक काम हम लोग करवाए हैं, और हम लोग लगातार काम कराते रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अब आप जानते हैं कि हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में की संख्या हो गई 10,51,000, यानी 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई। अब उसकी संख्या हम बढ़वा रहे हैं, शहरों में भी अब हमने इनको कर दिया है। अब जब जीविका दीदियां, बताइए कोई किसी को कुछ बोलने आता था? आप जानते हैं हम पूरे जगह घूमते हैं, और सब जीविका दीदियों से हर जिला में मिलते हैं। अब कितना अच्छा बोलती, कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करती है। अब आप सोच लीजिए कि 1,31,00,000 से भी ज्यादा अब महिलाएं कितना बढ़िया हो गई, लड़कियां कितना अच्छा पढ़ने लगी। तो ये सब काम जो हम करवा रहे हैं, तो भूलिएगा कोई इधर उधर करके आपको, तो याद करिए कि जो काम हुआ, हरा दीजिएगा, हम लोग नहीं रहेंगे तब फिर अपने ना कमाने लगेगा जी, सरकारी पैसवा से कोई काम नहीं करेगा, अपना ही कमाता अपने पास रखता रहेगा, कोई काम आप लोगों का नहीं करेगा। अब आज देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का विकास होता है। इसलिए कभी भी जो हमारे उम्मीदवार है यहां से, अब इधर उधर कोई करना चाहता है, एक वोट मत दीजिएगा, अब भारी मतों से जिताइएगा। और केंद्र में भी काम हो रहा, दो बार हो गया 10 साल, अब अगली बार भी फिर केंद्र में अपनी सरकार ही रहेगी, और कितना बढ़िया काम होगा। तो इस बार तो हम कह दिए
कि इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए अब बिहार में तो सबको जितवाइएगा, एक को नहीं छोड़िएगा। अब आप लोगों के लिए जो काम हो रहा है, नवादा के लिए भी सब काम किया हमने, कोई चीज छोड़े नहीं है, कितना काम कर दिया है पूरे तौर पर। और आप जानते हैं वर्ष 2022 में 100 सैया वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा और कल्याण छात्रावास का भी निर्माण किया गया। नवादा सदर रजौली सिरदल्ला में 3 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ, अनेक काम करवाया गया। और जहां पर हम हैं यहां पर भी अनेक काम किया, पथों का, पुलों का निर्माण, स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी सारा काम। तो कोई भी क्षेत्र को हम लोग इग्नोर नहीं करते। और वारसलीगंज में 98 करोड़ रुपए की लागत से 2 ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया है, साथ ही 2 पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया गया। आप जानते ही नहीं कि अब हम लोग हर घर नल का जल, बिजली, सब तरह का काम जो हम लोगों ने करवा दिया, एक एक तरह का, जो कुछ भी, शौचालय का, हर तरह का काम करवा दिया, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। आप सोच लीजिए, पहले कहां था, बाहरे घूमते थे, अब बाहर से कुछ पानी ला करके लोग खाते थे, अब बोलिए कितना खराब रहता था। अब बाहर पखाना में जाते थे, सब खराब होता था, अब हर घर में सब कुछ करा दिया। तो एक एक काम होने से कितनी सुविधा हो गई। तब भूलिएगा मत, याद करिएगा, कहीं ऐसा नहीं होता है। अच्छा, हम जब आए तो 18 साल, तो जो बेचारा 18 साल तक का है वो तो कभी देखा नहीं ना है, नए साल वाला, तो याद करेंगे। अब 18 साल के बाद तो फिर भोटरे न रहिएगा, तो इसलिए भूलिएगा मत, याद करिए। हम तो नई पीढ़ी को और सब बाकी लोगों को भी कहेंगे कि अपने परिवार को ठीक से, और सब बैठी हुई है महिलाएं, दीदियां, याद करिएगा। आप परिवार में एक एक को बताइएगा, सबको अच्छी तरह से, एक एक चीज, चाहे कोई जाति के हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति के हो, सब लोगों को जरूर बताइएगा कि कितना ज्यादा काम किया गया है। तो हम तो आपके इलाके का भी आज समय समय पर घूमते न रहते हैं, एक एक जगह जब कोई घटना घटती है सब कुछ देखने के लिए आते रहते हैं। तब भूलिएगा मत, हर तरह से हर जगह के विकास के लिए हम काम करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और केंद्र सरकार का सहयोग बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि फिर से हम लोगों का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव को पूरे तौर पर वोट दीजिए। और आप लोग जो हमारे विवेक ठाकुर जी हैं, तो इनको जिताइएगा ना, बोला हाथ उठा के बतावा, हैं, जिताइएगा ना। अरे उधरों खड़ा है वो, बोलो हाथ उठा के, आप लोग भी सब सुन रहे हैं, उधर भी हैं। तो देखिए, हम आए हैं इनके पक्ष में प्रचार करने, तो आप जिताइएगा ना, हम इनको देखिए जीतने के लिए। और सब लोग मिलकर के काम करते रहेंगे, और केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग मिलकर के राज्य का विकास और केंद्र का विकास तो कही रहे, इसीलिए सब लोग काम करते हुए और आगे बढ़ाएंगे, और बहुत आगे ये राज्य बढ़ेगा और देश बढ़ रहा है। इसलिए सब उम्मीदवार जो हैं इनको जिताइए, आज हमने कह दिया, आपने हाथ उठा के कहा कि हम जिताएंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप आए हैं जहां जहां के रहने वाले, सब जगह पूरे तौर पर एक एक को कहिए, और हमने जो कह दिया है एक एक बात को याद करिए, और कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए हम लगे रहते हैं। तो ये काम तो हम करते रहेंगे, यही आप सब लोगों को, हम आपको आश्वस्त करते हैं। जो हमारे पत्रकार मित्रों हैं,
इनसे भी कहेंगे कि भाई क्या क्या चलता है, जो कुछ नहीं करता है, हमको देखते हैं रोज अखबार, वो सबका छपते रहता है और मेरा सबसे कम नाम रहता है, लेकिन उससे क्या कीजिएगा। अब बेमतलब का वो सबके चक्कर में, तो याद करिएगा, आप लोग भी याद करिए, हम लोग जो काम करने के लिए कमिटेड हैं और उसी के लिए हम लोग रात दिन सेवा करने के लिए लगे रहते हैं, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि इस काम को करिएगा। अभी कुछ ही बातों की हमने चर्चा की, क्योंकि ऐसी स्थिति है, नहीं तो हम करने लगे तो बेमतलब का आपको एक आध घंटा और जुट्ठे हम काहे के लिए समय करवाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आश्वस्त किया है कि हम लोगों के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी को विजयी बनाइएगा तो पक्का जीतेंगे, यही हमारी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।